नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं रश्मि बरासी और आज एक रेसिपी का वीडियो है जो मैंने कभी नहीं बनाई, मैं पहली बार बना रही हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी, और चोखा बनता है लेकिन चोखे की जगह मैं दाल बनाऊँगी, क्योंकि हमारे मालवा में दाल और बाटी खाते हैं। बाटी मतलब वो उसके अंदर कोई फिलिंग नहीं होती, सिर्फ सादा आटे की बाटी होती है। तो मैं लिट्टी बनाऊंगी जिसके अंदर मैं सत्तू की फिलिंग करूंगी। तो आप में से जिसने बनाई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाना, चलो बताना। चलो शुरू करते हैं। तो ये सत्तू है और ये 250 ग्राम है, सत्तू है नॉर्मल वाला जो, और ये प्याज है और हरी धनिया है, नींबू का रस है, लाल मिर्च है, नमक है, और यहाँ पे मैंने बाटी का आटा लिया है, इसमें बाटी है, नमक डाला है और अजवाइन डाला है। यहाँ पे मैंने सत्तू ले लिया है और इतना बचा भी दिया, 250 ग्राम का पैकेट था। अब इसमें ये मैं जो प्याज और धनिया है इसे डालूँगी, और नींबू का रस डाल दूँगी और डाल दूँगी नमक और डालूँगी इसमें तेल और हल्का सा पानी डाल के इसको मैं मसल लूँगी। मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, अब मैं इसमें ये लाल मिर्च भी डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। ये जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है, अब मैं आटे को भी गूंद लूँगी। तो इस तरीके से जो अपन नॉर्मल बाटी की साइज़ की लेते हैं ना लोइयाँ, बस वैसी लोई लेना है। उसके बीच में थोड़ा सा इसको फैला के एक चम्मच इसकी फिलिंग कर देंगे, एक से डेढ़ चम्मच। मैंने छोटी बनाई है इसलिए मैं इसकी छोटी फिलिंग कर रही हूँ। और ये तैयार हो जाएगी। इस तरीके के पेड़े में सारे बना लूँगी। तो इतने जो है पेड़े मैंने बना लिए हैं, और यहाँ गैस पे, ये गैस का ओवन है वो मैंने इस पर रख दिया है, अब मैं इनको इसमें रख दूँगी। बिल्कुल धीमी, मतलब धीमी आंच में सेकना है इसको, आप बिल्कुल ऐसे जल्दबाजी में नहीं सेक सकते हैं वरना ये कच्ची रह जाएंगी। मैं धीमी आंच में इसको ढक के पकाऊंगी। तो ये एक तरफ की मेरी जो बाटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई है, अब मैं इसको पलटूंगी। इसको दोनों तरफ ऐसे घुमा घुमा के सेकना है, और ये जो है गैस का ओवन है, इसको राख पे भी सेक सकते हैं, मतलब आग में। और जिसमें हरी पत्ते लगी ना वो फीकी वाली हैं, एक्चुअली पापा जी फीकी खाते हैं इसलिए फीकी बनाई है, पहचान के लिए पत्ती लगा दी वरना सब मिक्स हो जाती। और ये हो जाएगी तो इसको हम घी में डाल देंगे, और बस घी में थोड़ा हल्का सा, मतलब घी गरम है, और घी में करने के बाद ये हमारी हो गई है रेडी। आप इसको दाल या चटनी के साथ खा सकते हो या भरते के साथ। तो मैंने तो अभी फ़िलहाल दाल बनाई है तो दाल के साथ ही खाएंगे। तो कितनी देखो क्रिस्पी बनी है मेरी ये बाटी, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ पे ना दाल और बाटी खाते हैं, तो दाल के बगैर तो नहीं खाते। तो मैंने थोड़ी सी दाल बनाई है और फली की सब्जी बनाई है, सलेने की फली। तो आज मैं सत्तू लाई थी तो मेरा मूड था कुछ नया ट्राई करने का, तो मैंने कर लिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा बना, और कुछ मिस्टेक हो गई हो तो वो भी बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।